हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर उपसंयोजन यौगिक पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में उपसंयोजन यौगिक किसको बोला जाता है, इसका कैसे निर्माण होता है, इसका IUPAC पद्धति में नामकरण कैसे होता है, कैसे हम समावयवता इसमें देखते हैं, कैसे संक्रमण निकाला जाता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संकर यौगिकों या उपसंयोजन यौगिकों या संकुल यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसको उपसंयोजन रसायन कहते हैं। उपसंयोजन रसायन उपसंयोजन रसायन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मेरे प्यारे बच्चों, अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन तीन श्रेणियों के अंतर्गत किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इसमें है सरल लवण, एक इसमें द्विक लवण, एक इसमें उपसंयोजन यौगिक। मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सार है, डबल साल्ट है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे प्यारे बच्चों, सरल लवण जब अम्ल और क्षार परस्पर एक दूसरे को पूर्णतया उदासीन करके जिस लवण का निर्माण करते हैं उसी को सरल लवण बोला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देखें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH अभिक्रिया करे, इसमें NaCl साल्ट है और H2O का निर्माण कर रहा है। NaCl सरल लवण है, सरल लवण की विशेषता तो उसको जल में घोलोगे तो वो पूर्णतया अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। इसको जल में यदि घोल देंगे तो ये Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव आयनित हो जाएगा। द्विक लवण और उपसंयोजन यौगिक दोनों ही योगात्मक जटिल यौगिक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब दो या अधिक लवण एक दूसरे के साथ सरल आणविक अनुपात में जुड़ करके और जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसको डबल साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे, इसमें इसका एग्जांपल हम देखते हैं। द्विक लवण, इसका उदाहरण आप पोटाश एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2 और उपसंयोजन यौगिक का उदाहरण आप देखो, इसमें आपका K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसमें उपसंयोजन यौगिक में ऐसा बड़ा ब्रैकेट जरूर होता है। इन दोनों में कैसे अंतर पता चलेगा, तो दोनों जटिल आणविक कंपाउंड हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों दोनों का जलीय विलयन में आयनिक व्यवहार भिन्न प्रकृति का है। द्विक लवण को जब जल में घोलेंगे तो ये अपनी ठोस अवस्था में जो रासायनिक गुण प्रदर्शित कर रहा है वो जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त होकर के अपनी रासायनिक पहचान खो देगा।
उपसंयन यौगिक किसको बोला जाएगा? ये ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में एक समान अपने रासायनिक गुण प्रदर्शित करेगा, यानी कि अपनी केमिकल आइडेंटिटी बनाए रखेगा। इसको आप जल में घोलोगे तो ये K पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव के समान गुण अपने आयनों में विभक्त होकर के और अपने आयनों के समान गुण प्रदर्शित करने लगेगा। इसको जब आप जल में घोलोगे तो ये K1 पॉजिटिव, 4K1 पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव। इसको जलीय विलयन में घोलोगे ये कभी भी इसमें Fe2 पॉजिटिव भी है, CN1 नेगेटिव भी है, लेकिन ये कभी भी Fe2 पॉजिटिव और CN1 नेगेटिव का परीक्षण नहीं देगा। तो दोनों में अंतर, द्विक लवण ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में अलग अलग रासायनिक गुण प्रदर्शित करेगा, और उपसंयन यौगिक ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में एक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।